अब हम स्टार्ट कर रहे हैं यूनिट फोर्थ कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड आर्किटेक्चर की। यूनिट थर्ड जो है हम लास्ट में करेंगे। तो इसका फर्स्ट टॉपिक है मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन। मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन से पहले आपको पता होना चाहिए मेमोरी क्या होती है। इन कंप्यूटिंग मेमोरी रेफर्स टू द फिजिकल डिवाइसेस यूज्ड टू स्टोर प्रोग्राम्स और डेटा ऑन द टेम्पररी और परमानेंट बेसिस फॉर यूज इन ए कंप्यूटर और अदर डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। तो कंप्यूटेशन में मेमोरी का क्या होता है, एक फिजिकल डिवाइस होती है मेमोरी, जिसमें हम प्रोग्राम और डेटा को स्टोर कर सकते हैं टेम्पररी और परमानेंट। टेम्पररी मतलब कुछ टाइम के लिए हम उसमें डेटा स्टोर करते हैं, जब रिक्वायर्ड होता है तो वहां से डिलीट हो जाता है, और परमानेंट जो हमेशा स्टोर रहे हमारे लिए। और इन मेमोरीज का कहाँ पर यूज होता है, कंप्यूटर और अदर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज, मोबाइल है और लैपटॉप्स हैं, तो इन सब में जो है मेमोरी का यूज होता है। नेक्स्ट इज क्लासिफिकेशन ऑफ मेमोरी। तो मेमोरी जो है वो थ्री टाइप्स की होती है, इंटरनल प्रोसेसर मेमोरी, मेन मेमोरी, सेकेंडरी और ऑक्सिलरी मेमोरी। तो इंटरनल प्रोसेसर मेमोरी क्या होती है, स्मॉल हाई स्पीड मेमोरी इनसाइड द प्रोसेसर, टेम्पररी स्टोरेज ऑफ इंस्ट्रक्शन एंड डेटा, रजिस्टर्स एंड बिल्ट इन कैश इसके एग्जाम्पल है। तो ये जो होती है एक हाई स्पीड स्मॉल साइज की मेमोरी होती है जो प्रोसेसर के अंदर ही होती है, जिसको टेम्पररी स्टोरेज के लिए यूज किया जाता है, जिसमें इंस्ट्रक्शन और डेटा जो है वो टेम्पररी स्टोर रहते हैं। तो रजिस्टर्स जो हम पढ़ चुके हैं, बिल्ट इन कैशे मेमोरी, ये सब एग्जाम्पल है इंटरनल प्रोसेसर मेमोरी की। नेक्स्ट आती है मेन मेमोरी। इट इज रिलेटिवली लार्ज मेमोरी प्लेस्ड आउटसाइड द प्रोसेसर। तो ये इंटरनल प्रोसेसर मेमोरी यानी रजिस्टर और कैशे मेमोरी से लार्ज होती है, और कहाँ प्लेस्ड होती है, आउटसाइड द प्रोसेसर। टेम्पररी स्टोर डेटा एंड इंस्ट्रक्शन फॉर द ऑपरेशन ऑफ द प्रोसेसर। तो प्रोसेसर के ऑपरेशन के लिए टेम्पररी डेटा और इंस्ट्रक्शन को स्टोर करने के लिए यूज होती है। इट कैन बी एक्सेस डायरेक्टली एंड रैपिडली बाय द सीपीयू। और इसको कौन एक्सेस कर सकता है, सीपीयू इसको डायरेक्टली जो है एक्सेस कर सकता है, और इसकी स्पीड भी फास्टर होती है, लेकिन कम होती है एज कम्पेयर टू बिल्ट इन एंड कैशे मेमोरी, क्योंकि आउटसाइड प्रोसेसर होती है ये मेमोरी। तो एग्जाम्पल इसके क्या है, रैम और रोम। तो जब भी आप कोई एप्लीकेशन या प्रोग्राम एग्जीक्यूट करते हो तो वो पहले मेन मेमोरी में आता है, और मेन मेमोरी से सीपीयू उसको एग्जीक्यूट करता है। नेक्स्ट मेमोरी कौन सी है, सेकेंडरी और ऑक्सिलरी मेमोरी। इट इज मच लार्जर इन कैपेसिटी बट स्लोअर देन मेन मेमोरी। तो इसकी कैपेसिटी तो ज्यादा होती है, इसमें ज्यादा डेटा स्टोर हो सकता है, लेकिन इसकी स्पीड जो है वो स्लो होती है मेन मेमोरी से। परमानेंट स्टोरेज ऑफ डेटा एंड इंस्ट्रक्शंस, इसमें हम परमानेंट डेटा को स्टोर करते हैं, परमानेंट स्टोरेज के लिए यूज होती है, इसमें इंस्ट्रक्शन और डेटा फाइल्स प्रोग्राम सब स्टोर होते हैं। एग्जांपल जैसे हार्ड डिस्क, सीडी, फ्लॉपी, ईटीसी। अब सीपीयू जो है वो सेकेंडरी या ऑक्सिलरी मेमोरी से कम्युनिकेट नहीं करता है, वो किससे कम्युनिकेट कर सकता है, मेन मेमोरी से। तो जितना भी परमानेंट स्टोर में आपको डेटा करना है, आप जो भी फाइल स्टोर करते हो या प्रोग्राम स्टोर करते हो, वो सेकेंडरी मेमोरी में जाता है, क्योंकि उसकी साइज लार्जर रहती है, और जब भी उस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करते हो आप, तो वो सेकेंडरी मेमोरी से किस में आ जाता है, मेन मेमोरी से, फिर सीपीयू उसको एग्जीक्यूट करता है। तो सीपीयू जो है वो सेकेंडरी मेमोरी से कम्युनिकेट नहीं करता है डायरेक्टली। अब जो मेमोरी जो कंप्यूटर है उसमें मल्टीपल टाइप्स की मेमोरीज होती हैं, तो उनका एक लेवल होती है, एक हायरार्की होती है कि किसमें डेटा जो है फास्टली एक्सेस होगा, किससे स्लोली होगा, किससे सीपीयू कम्युनिकेट कर सकता है। तो उसकी एक लेवल होती है, एक हायरार्की होती है उन सारी मेमोरीज की। दी टोटल मेमोरी कैपेसिटी ऑफ ए कंप्यूटर कैन बी विजुलाइज्ड बाय हायरार्की ऑफ कंपोनेंट्स। तो टोटल मेमोरी कैपेसिटी ऑफ कंप्यूटर जो होती है उसको हम हायरार्की ऑफ कंपोनेंट्स में देख सकते हैं। दी मेमोरी हायरार्की सिस्टम कंसिस्ट ऑफ ऑल स्टोरेज डिवाइसेस कंटेन इन ए कंप्यूटर सिस्टम, फ्रॉम स्लो ऑक्सिलरी मेमोरी टू फास्ट मेमोरी एंड टू स्मॉलर कैशे मेमोरी। तो जो मेमोरी हायरार्की सिस्टम होता है उसमें जितने भी स्टोरेज डिवाइसेस होते हैं कंप्यूटर सिस्टम के अंदर, वो सारे होते हैं स्लोअर ऑक्सिलरी मेमोरी से लेकर फास्ट मेन मेमोरी और स्मॉलर कैशे मेमोरी तक। तो मेमोरी हायरार्की में क्या होता है, सबसे पहले आती है रजिस्टर मेमोरी, फिर कैशे मेमोरी, मेन मेमोरी, मैग्नेटिक डिस्क और मैग्नेटिक टेप्स। अब ये तो प्रोसेसर के इनसाइड होती है ना, कैशे आप एक्सटर्नली यूज कर सकते हो परचेज करके कैशे मेमोरी, और कुछ प्रोसेसर्स में ये इनबिल्ट भी होती है।
फिर मेन मेमोरी आती है, फिर मैग्नेटिक डिस्क और मैग्नेटिक टेप्स। तो मैग्नेटिक डिस्क और मैग्नेटिक टेप्स जो है वो ऑक्सिलरी मेमोरी है, मेन मेमोरी को हम प्राइमरी मेमोरी भी बोलते हैं। तो अगर आप हायरार्की में देखो तो स्पीड एंड कॉस्ट इंक्रीज हो रही है ऐसे, यानी कि सबसे फास्टर मेमोरी अगर आप बात करोगे तो रजिस्टर एंड कैशे मेमोरी फास्टर होंगे और उनकी कॉस्ट भी हायर होगी। जितनी फास्ट स्पीड की आप मेमोरी चाहोगे, लेना चाहते हो, उतनी ही उसकी कॉस्ट क्या होती है, ज्यादा होती है। तो इस टाइप में स्पीड और कॉस्ट इंक्रीज हो रही है। और जैसे ही आप डाउनवर्ड्स आ रहे हो, जैसे ही आप अपवर्ड्स जा रहे हो हायरार्की में, स्पीड एंड कॉस्ट इंक्रीज होती है। और जैसे ही आप डाउनवर्ड्स आते हो तो स्टोरेज साइज इंक्रीज होती है। तो स्टोरेज साइज आपको यहाँ ज्यादा मिलेगी, कॉस्ट कम मिलेगी, कॉस्ट कम देनी होगी, ठीक है, और स्पीड भी लेकिन कम रहती है। तो इस टाइप से ये हायरार्की रहती है। अब नेक्स्ट देख रहे हैं ऑक्सिलरी मेमोरी क्या होती है। ऑक्सिलरी मेमोरी यानी ये मैग्नेटिक डिस्क एंड मैग्नेटिक टेप्स जो हैं, इज स्लोएस्ट मेमोरी। इट्स एक्सेस टाइम इज जनरली 1000 टाइम्स देन दैट ऑफ द मेन मेमोरी, हेंस इट इज एट द बॉटम ऑफ द हायरार्की। तो जो ऑक्सिलरी मेमोरीज होती हैं वो स्लोएस्ट मेमोरीज होती हैं, उनका एक्सेस टाइम 1000 टाइम्स ज्यादा होता है मेन मेमोरी के कंपैरिजन में, इसीलिए इसको सबसे बॉटम में रखा जाता है हायरार्की में। बट इसकी स्टोरेज कैपेसिटी क्या होती है, आप इसमें लिख सकते हो कि हाई स्टोरेज कैपेसिटी। इसमें स्टोरेज कैपेसिटी ज्यादा होती है, इसकी कॉस्ट लेसर होती है, ठीक है, कॉस्ट लेस होती है और एक्सेस टाइम लेकिन ज्यादा होता है, स्लोएस्ट मेमोरी होती है ये। फिर नेक्स्ट आती है मेन मेमोरी, ऑक्सिलरी के बाद प्राइमरी या मेन मेमोरी। तो मेन मेमोरी ऑक्यूपाइज द सेंट्रल पोजीशन, ये देखो सेंटर में है, तो ऑक्यूपाइज द सेंट्रल पोजीशन बिकॉज इट इज इक्विप टू कम्युनिकेट डायरेक्टली विद द सीपीयू एंड विद ऑक्सिलरी मेमोरी डिवाइसेस थ्रू इनपुट आउटपुट प्रोसेसर। तो मेन मेमोरी जो है वो सेंट्रल पोजीशन पे आती है हायरार्की में, और ये डायरेक्टली जो है किससे कम्युनिकेट कर सकती है, सीपीयू से और ऑक्सिलरी मेमोरी डिवाइसेस से थ्रू इनपुट आउटपुट प्रोसेसर। यानी कि ये जो मेन मेमोरी है इसको सीपीयू डायरेक्टली एक्सेस कर सकता है, और जो है मेन मेमोरी इनसे डेटा एक्सेस कैसे करेगी, ऑक्सिलरी मेमोरी से विद द हेल्प ऑफ इनपुट आउटपुट प्रोसेसर। तो यहाँ पर ये मेन मेमोरी है, सीपीयू डायरेक्टली किससे कम्युनिकेट करता है, मेन मेमोरी और कैशे मेमोरी से। और मेन मेमोरी जो है वो मैग्नेटिक डिस्क और मैग्नेटिक टेप्स यानी ऑक्सिलरी मेमोरी से कम्युनिकेट करती है विद द हेल्प ऑफ इनपुट आउटपुट प्रोसेसर। When the program not residing in main memory is needed by the CPU, they are brought in from auxiliary memory. अगर CPU को कोई प्रोग्राम चाहिए जो मेन मेमोरी में नहीं है तो उसे कहाँ से लाया जाता है, ऑक्सिलरी मेमोरी से, क्योंकि सारे प्रोग्राम्स डेटा इंस्ट्रक्शंस कहाँ पे स्टोर होते हैं, ऑक्सिलरी मेमोरी में। मेन मेमोरी की साइज क्योंकि छोटी होती है तो उसमें सारे प्रोग्राम्स को स्टोर नहीं किया जा सकता है, प्लस वो वॉलेटाइल होती है, उसमें टेम्पररी डेटा स्टोर हो सकता है, परमानेंटली नहीं। तो परमानेंटली डेटा किस में स्टोर होगा, ऑक्सिलरी मेमोरी में। तो ऑक्सिलरी मेमोरी में अगर कोई प्रोग्राम जो मेन मेमोरी में नहीं है तो ऑपरेटिंग सिस्टम उसे ऑक्सिलरी मेमोरी से कहां पर ले आएगा, मेन मेमोरी से, फिर वो एग्जीक्यूट होगा। प्रोग्राम्स नॉट करेंटली नीडेड इन मेमोरी आर ट्रांसफर्ड इनटू ऑक्सिलरी मेमोरी टू प्रोवाइड स्पेस इन मेन मेमोरी फॉर अदर प्रोग्राम्स दैट आर करेंटली इन यूज। तो जो मेन मेमोरी में प्रोग्राम है, सपोज P1, ये एग्जीक्यूट हो चुका है, अभी इसका कोई रिक्वायरमेंट नहीं है इसमें मेन मेमोरी में रखने का, तो इसको कहाँ शिफ्ट कर दिया जाए, ऑक्सिलरी मेमोरी में। तो इसको ऑक्सिलरी मेमोरी में ऑपरेटिंग सिस्टम शिफ्ट कर देता है जिससे दूसरा कोई प्रोग्राम जो है इसमें स्टोर हो पाए। नेक्स्ट इज कैशे मेमोरी, इट इज यूज टू स्टोर प्रोग्राम डेटा विच इज करेंटली बींग एग्जीक्यूटेड इन दी सीपीयू। करेंटली प्रोग्राम सीपीयू एग्जीक्यूट कर रहा है, उसका जो भी टेम्पररी डेटा होगा उसे कैशे मेमोरी में स्टोर किया जाता है। ये भी कहा जाता है कि कैशे मेमोरी में कौन सा डेटा स्टोर किया जाता है, फ्रीक्वेंटली यूज डेटा, जो बार बार सीपीयू को चाहिए होता है वो उसे कहाँ स्टोर कर देता है, कैशे मेमोरी में। इट इज समटाइम यूज टू इंक्रीज द स्पीड ऑफ प्रोसेसिंग बाय मेकिंग करेंट प्रोग्राम्स एंड डेटा अवेलेबल टू दी सीपीयू एट ए रैपिड रेट। तो कैशे मेमोरी का मेन पर्पस क्या है, कि स्पीड ऑफ प्रोसेसिंग इंक्रीज हो जाए, ठीक है। तो स्पीड क्यों बढ़ जाएगी, क्योंकि जो एक्सेस टाइम है कैशे मेमोरी से, सीपीयू को जो टाइम लगेगा डेटा को एक्सेस करने में कैशे मेमोरी से, वो
कम लगता है, क्योंकि हायरार्की में देखें तो कैशे मेमोरी पहले आती है फिर मेन मेमोरी आती है। तो जो भी करेंट प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो रहे हैं उसकी प्रोसेसिंग स्पीड को अगर हम बढ़ाना चाहते हैं तो वो वाला डेटा, उसका डेटा जो है वो सीपीयू को फास्टली अवेलेबल करवाने के लिए कैशे में रखा जाता है। और इसकी साइज़ क्या होती है, स्मॉल होती है, ये स्मॉल साइज होती है। और इसकी कॉस्ट क्या होती है, हाई कॉस्ट होती है एज कंपेयर टू मेन मेमोरी।